Assalamu alaikum students, how are you? I hope you will be fine. According to your schedule, this is your science period. Now open your science notebook. Today is 24 June, Wednesday. Put date on your notebook. जी बेटा, आज हमने यूनिट 8 लाइट के जो हमारे रिमेनिंग क्वेश्चन रह गए थे हमने वो करने हैं. तो आप सबसे पहले अपनी नोटबुक पे यूनिट 8 और टॉपिक लाइट राइट करेंगे. उसके बाद आप क्वेश्चन आंसर की हेडिंग देंगे. तो आज हमने क्वेश्चन 4, 5 और 6 राइट करने हैं. कल हमने क्वेश्चन 1, 2, 3 राइट किए थे. ठीक है जी. तो क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास. कैन वी सी ऑब्जेक्ट्स इन द डार्क. कैन वी सी ऑब्जेक्ट्स इन द डार्क. आंसर इज़ वी कैन नॉट सी ऑब्जेक्ट्स इन द डार्क. आंसर इज़ वी कैन नॉट सी ऑब्जेक्ट्स इन द डार्क. क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास. इज़ द मून अ ल्यूमिनस बॉडी. Is the moon a luminous body? The moon is non-luminous body. Answer is the moon is non-luminous body. Question number 6 है आपके पास. How is a shadow formed? How is a shadow formed? When an object, answer इसका आप क्या write करेंगे? When an object is placed in the path of light, then shadow formed. When an object is placed in the path of light, then shadow formed. Okay students, ये आपके पास थोड़ा सा काम है. तो आपने ये सारा काम बिल्कुल नीट राइटिंग में करना है. अपने सारे क्वेश्चन आंसर जो हैं बिल्कुल आपने नीट राइटिंग में लिखने हैं. ऐसे स्टूडेंट्स और अपनी पेंसिल का लेड बना के काम कीजिएगा. और डेट एंड डे और मार्जिन लाइन ज़रूर मैंशन ज़रूर मैंशन कीजिएगा. और मार्जिन लाइन भी लगाना बिल्कुल नहीं भूलना आप लोगों ने. और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा स्टूडेंट्स. अल्लाह हाफिज़.